आज से कुछ साल पहले टिकटॉक नामक बीमारी ने पूरे देश को जकड़ रखा था। हर तरफ क्रिंज ही क्रिंज दिखाई दे रहा था। इन सभी क्रिंज को देखकर किसी की भी रूह कांप जाती और अंदर से केवल एक ही आवाज आती थी, ये तो टट्टी है। लेकिन एक महान नायक का जन्म हुआ जिसने टिकटॉक का दी एंड कर दिया। अब टिकटॉक की जड़ें भारत से खत्म होने लगी थी और जिसने ये काम किया उस महान नायक का नाम था द ग्रेट कैरी मिनाटी। और टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया। लेकिन अब इस बीमारी का वर्चस्व इंस्टाग्राम की रील्स पर है। हमें हर दिन यहाँ एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है, हर दिन एक नया चैलेंज देखने को मिलता है और इन्हीं ट्रेंड में से एक ट्रेंड है कच्चा बादाम ट्रेंड। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का शुभारंभ करते हैं घंटा बजा के। क्या तुमने अपनी रील को खुद ही लाइक किया? खुद की ही फेक आईडी से खुद को फॉलो किया? मैंने भी किया, पर अब और नहीं। अगर आप भी होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर वायरल तो आज ही इंस्टाग्राम हैक फॉलो कीजिए। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। छी छी छी, क्या जमाना आ गया। कभी जमाना हुआ करता था जब किसिंग सीन के टाइम भी लड़का लड़की नहीं बल्कि दो फूलों की किस हुआ करती थी। और एक आज का टाइम है जब लोग ट्रेंडिंग पर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं। अरे अरे, अपने भाइयों की प्यारी बहनों, कम से कम लिरिक्स के साथ तो मैच करिए अपना डांस स्टेप। अब ये जो आप दिखा रही हैं इसको बादाम नहीं कहते हैं, इसे कुछ और कहते हैं। ये आपके शरीर का वो अंग है जिस पर आप बैठते हैं, यानी कि बम। लेकिन अब इस अंग का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। लेकिन मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों को सोशल मीडिया में बम मटका के मिलता क्या है। व्यूज, मतलब व्यूज के लिए ये सब करना पड़ता है। तो ठीक है ना यार, मैं भी कर लेता हूँ ये वाला ट्रेंड, शायद मेरे भी व्यूज बढ़ जाए, मेरे भी फॉलोवर्स बढ़ जाए। पैसा ही पैसा होगा। नहीं यार, लड़कों के बम देखने में कौन इंटरेस्टेड होगा यार, इसीलिए कोई लड़का क्यों करेगा ये वाला ट्रेंड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे फैजू भैया, कम से कम बॉयज कम्युनिटी का कुछ तो ध्यान रखा होता यार। अब आप नेम के पीछे, फेम के पीछे, व्यूज के पीछे इतना आगे बढ़ चुके हो कि आपने दूर कहीं पीछे अपनी इज्जत छोड़ दी है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। लेकिन लोगों को तो क्रिंज देखना ही पसंद आता है ना, इसीलिए इतने मिलियंस में व्यूज और लाइक्स जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कमेंट करके अपना प्यार भी जताते हैं ये लोग। हे हैंडसम, ब्यूटीफुल, फायर, लुकिंग किलर वंस अगेन इन लुंगी। आप हमारी इतने प्यारा ही लगता ही हाई कि वर्ड कम पड़ जाता ही हाई है, बट आपको नहीं डिस्क्राइब कर सकता ही। और लुंगू हाई, फॉलिंग इन लव विद यू इज द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। आप लुंगी में कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हो, इतने हॉट, ब्यूटीफुल, फायर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। फैजू भैया, मैं आपका बहुत बड़े वाला फैन हूँ, दिल से फैन हूँ, इसलिए इस बार ही आपको माफ कर रहा हूँ। लेकिन यार प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगली बारी से ऐसी रील मत बनाइएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आज एक बात सिद्ध हो गई है कि गधे को जितना मर्जी पढ़ा लिखा लो लेकिन रहेगा वो फिर भी गधा ही। सेम सॉन्ग, सेम स्टेप्स, आखिर क्या जरूरत थी क्रिंज पार्ट 2 बनाने की? मैं हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गुहा।
ये तो मजबूर है लेकिन आप नहीं, इसलिए मेरी बॉयज कम्युनिटी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके ये ट्रेंड घरों में ना अपनाएं। मेरी जवानी तो देख लो, आए हाय, नजर ना लगे तुझे भुस। बस अब मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे माफ करें, मुझे छुट्टी दे दें आप। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दें आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी जाता हूँ। काचा बादाम सॉन्ग ने हमारे बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा, अगर हमारे टॉप बॉलीवुड स्टार्स सॉन्ग को गाएंगे तो किस तरीके से गाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहली सुरीली आवाज अजय देवगन की। भाइयों बहनों, अगली आवाज आपके सामने सुनील शेट्टी की। कच्चा बादाम बोले कच्चा बादाम, मेरा क्रश थी मैथ वाली मैडम, कच्चा बादाम बोले कच्चा बादाम। और अब हमारे प्यारे दुलारे सनीपा जी। कच्चा बादाम कच्चा कच्चा बादाम, चखने में पापा खाते कच्चा बादाम, बॉबी लेके आता फ्रॉम द दुकान कच्चा बादाम। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, टाटा गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।